हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ वो है होम्योपैथिक मेडिसिंस फॉर किड्स। कि होम्योपैथिक मेडिसिंस फॉर किड्स मतलब स्पेशली जो बच्चे होते हैं, जो कि जनरली 5 to 4 से लेकर 12 ईयर्स तक के जो किड्स होते हैं उनके लिए काफ़ी उनके पेरेंट्स सस्पिशियस रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। कोई कई सारी मेडिसिंस, कई सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ डिजीजेस कॉमन होती हैं, उसके लिए आप एक फर्स्ट एड टाइप का बना के भी रख सकते हैं घर में। और क्या क्या डिजीजेज होती हैं और उसके बारे में, उसकी मेडिसिन के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कशन करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ होती है, बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है कोल्ड कफ वगैरह। तो जनरली कोल्ड कफ जो होता है, आप बच्चे बिल्कुल भी प्रिकॉशंस नहीं करते हैं, जल्दी ठंडा पानी पी लेना, आइसक्रीम्स खाना, खुली हवा में चले जाना, जल्दी गर्म कपड़े नहीं पहनना, बारिश में भीग जाना, तो ये ऑल वेदर का जो टाइम होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो रहता है कि बहुत जल्दी कोल्ड पकड़ता है। और जनरली जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है तो उन बच्चों में ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है। क्या कि आप बच्चे का थोड़ा भी ठंडा पानी पी लिया, थोड़ा भी आइसक्रीम खा लिया, बच्चे जिद करते ही आइसक्रीम खाने के लिए और अपने खिलाना पड़ता है और जल्दी ही कोल्ड कफ हो जाता है। तो इसके लिए मैं आज होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इन्फेंट्स के लिए आपको मैंने बताया, एक वीडियो अपलोड कर ही चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया कि आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, और यदि अगर आप वही छोटे से उनको एंटीबायोटिक्स देने स्टार्ट कर देते हैं ये सब चीज़ों के लिए तो इनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बट जिन बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है और उनको जल्दी जल्दी रिपीट हो रहे हैं तो उनके लिए मेडिसिन फिर भी से बताना चाहूँगी कि जो कफ होता है, कोल्ड होता है, अगर रनिंग नोज, स्नीजिंग है, नोज ब्लॉक है, तो ये सब मेडिसिन होती हैं। अमोनियम कार नोज ब्लॉक के लिए, आपके स्नीजिंग के लिए आर्सेनिक मेडिसिन, नेट्राम्यूर मेडिसिन और सेबेडिला मेडिसिन, ये सब चीज़ें कोल्ड के लिए होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कफ के लिए। तो कफ के लिए जो स्पेशली अगर ड्राई कफ है तो उसके लिए ब्रायोनिया मेडिसिन हो जाती है, इपिकॉक मेडिसिन हो जाती है। और अगर मॉइस्ड है, आपको बलगम गले में फंस रहा है, बच्चा निकाल नहीं पाता है बट काफ़ी साउंड्स आती हैं कफ में, तो वो कफ के लिए जो है आप मेडिसिन हो जाती है एंटीमटार्ट। और साथ ही साथ कुछ और ऐसी मेडिसिन होती है, अगर थ्रोट पेन भी है साथ में, आपको घुटकने में कुछ दर्द हो रहा है बच्चे को, पानी, क्योंकि जनरली बच्चे सर्द गर्म में ठंडा पानी, गर्म चीज़ें खाना, ये सब चीज़ें सर्द गर्म से आपके बच्चों में थ्रोट पेन देखा गया है कि थ्रोट पेन होने लग जाना। थ्रोट पेन मतलब कि गले में कोई भी चीज़ पानी पीने और खाने में घुटकने में पेन होना, तो इसके लिए मेडिसिन हो जाती है हिपासल्फ। देन इसके बाद आता है आपका फीवर। फीवर भी बहुत जल्दी बच्चों को कब पकड़ता है, जल्दी वेदर चेंज हुआ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि जनरली जब चेंज ऑफ वेदर होता है उसमें इम्यूनिटी अगर वीक है और बच्चे बिल्कुल भी अगर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो उससे जो है जल्दी आपको फीवर बच्चों में हो जाता है। तो इसके लिए जो मेडिसिन होती है स्पेशली जैल्सीमियम, आपके यूपेटोरियम पफ, आपका ग्लोनाइन, अगर गर्मियों में फ्लू वगैरह हो जा रहा है तो उसके लिए ग्लोनाइन मेडिसिन हो जाती है। देन अब आते हैं टीथिंग ट्रबल्स। छोटे बच्चों में जनरली जो है किड्स में एक प्रॉब्लम होती है टीथिंग ट्रबल्स भी, मतलब उस टाइम पे बच्चों के दांत कैरीज बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, जब प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं तो टीथिंग प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आती हैं। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स के लिए कभी समटाइम्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी मेडिसिन हो जाती है, एक तो कैल्केरिया फॉस, और साथ ही साथ अगर पेन है, कैरीज है, तो उसके लिए मेडिसिन होती है आपकी टीथिंग ट्रबल्स के लिए स्पेशली जो होती है कैल्केरिया फॉस, फेरामेट, साथ ही साथ आपकी पेन के लिए बैलाडोना, मांगसोल, थूजा, ये सारी मेडिसिन होती है अगर दांत सड़ने लग जाते हैं, कैरीज होती है तो। फिर उसके बाद मेडिसिन आती है लूज मोशंस के लिए, बच्चे कुछ भी खाते रहते हैं, बाहर का खाते हैं, घर का खाते हैं, हैंड वॉश नहीं करते हैं प्रॉपर, तो उसकी वजह से लूज मोशंस हो जाना और फूड पॉइजनिंग हो जाना। फूड पॉइजनिंग और लूज मोशन से बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है, और साथ ही साथ फूड पॉइजनिंग जो होती है तो उसमें मेडिसिन हो जाती है स्पेशली फूड पॉइजनिंग के लिए आर्सेनिक, और साथ साथ पोडोफाइलम, वेरेटम एल्बम, ये सारी मेडिसिन होती हैं आपके लूज मोशन के लिए। और एक और आज का टॉपिक स्पेशली मैं जो लास्ट में आपको ज़रूर बताऊँगी कि बच्चों में जो है स्टेज फियर काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज होता है, वो सब कुछ खाते हुए भी बट स्टेज में परफॉर्म करते वक्त काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और वो स्टेज प्रोग्राम नहीं दे पाते स्टेज फियर की वजह से, जिसको एग्जामिनेशन फियर भी बोलते हैं, तो उसके लिए भी मेडिसिन मैं बताऊँगी बट लास्ट में। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पे इंजुरीज पे। तो बच्चों को इंजुरीज भी काफ़ी जल्दी होती हैं, बच्चे खेलते गिरते रहते हैं
और इंजरीज होती रहती है जिसमें पेरेंट्स को काफ़ी टेंशन होता है कि वो इंजरी को प्रॉपर क्लीनिंग के लिए तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना, आपको बैंडेज कराना, ये सारी चीज़ें आप घर में होम्योपैथिक मेडिसिन से भी जल्दी ठीक कर सकते हैं बिना किसी एंटीबायोटिक के। तो इंजुरीज़ के लिए स्पेशली जो मेडिसिन होती हैं, तो टू टाइप्स की इंजुरीज होती है, एक तो ब्लंट इंजुरी, दूसरा होता है ओपन वुंड्स। तो जो ब्लंट इंजुरी मतलब जिसमें आपने देखा होगा बोनी पार्ट्स में कभी भी इंजुरी होती है तो वहाँ पर एक ब्लू एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड का, ब्लूइश जो होते हैं जिसको अपन कुछ ब्लड जनरली नीज में, फोरहेड पे, ये सब जगह पे अगर जहाँ पर बोनी पार्ट्स पे स्पेशली ब्रूसेस हो जाते हैं तो उसके लिए मेडिसिन हो जाती है आर्नी का, सबसे बेस्ट इंजुरी इंटरनल इंजुरी के लिए। और उसके साथ साथ हाइपेरिकम, तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और अगर ओपन वुंड्स है जहाँ कट्स वगैरह लग गए हैं और इसमें इन्फेक्शन के आपको चांसेस लग रहे हैं, टिटनेस के चांसेस लग रहे हैं, तो आपको उसके लिए टिटनेस, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाने जाना पड़ जाए बच्चों के लिए, तो ओपन वुंड्स होती है हमेशा उसको आप कैलेंडुला मदर टिंचर जो आता है होम्योपैथिक में उसको अपने पास रखिए और जो कैलेंडुला मदर टिंचर से क्लीनिंग करिए और उसको ऑइंटमेंट्स भी आते हैं उसके, तो ऑइंटमेंट्स लगाइए। और ऑइंटमेंट के साथ साथ आप खाने के लिए मेडिसिन जो होती हैं वो होती है कैलेंडुला, खाने में भी 200 की अलग मेडिसिन आती है, साथ ही साथ आप दे सकते हैं उसमें हाइपेरिकम, क्योंकि नर्व इंजुरी जो है उसमें नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आर्निका मेडिसिन दे सकते हैं खाने के लिए। और कोई इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए लीडमपाल, टिटनेस कोई इन्फेक्शन ना हो, लीडमपाल सबसे अच्छी मेडिसिन होती है आपके इन्फेक्शन से बचने के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्म्स। वर्म्स मतलब पेट में कीड़े होना जिसकी वजह से काफ़ी डाइजेशन प्रॉब्लम भी रहता है, एचिंग वगैरह रहती है। वर्म्स के जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आपके वर्म्स के सिम्टम्स होते हैं, स्पेशली बच्चा अगर नोज पिक करता है रात में सोते समय दांत किटकिटाता है, ये सारे सिम्टम्स अगर आपके बच्चे में मिल रहे हैं तो वो होते हैं वर्म्स का सिम्टम, जिसके लिए मेडिसिन सबसे बेस्ट होती है सिना मेडिसिन, फ्लेक्सिस मेडिसिन, और कई सारे पेटेंट्स भी आते हैं होम्योपैथिक में जो कि इस पर वर्क करते हैं। देन इसके बाद आता है जनरल टॉनिक्स बताऊंगी मैं, तो जनरल टॉनिक्स जनरली जो बच्चे ज़्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चा ढंग से खाता नहीं है, काफ़ी वीक दिखता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन होती है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा टॉनिक जो आता है स्पेशली वेट गेन करने के लिए होता है, और अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप कंसल्टिंग ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर से, क्योंकि कई बार रीजंस होते हैं उसके पीछे कि आपके बच्चे का लीवर वीक है या फिर प्रॉपर डाइजेशन सही नहीं है, जो भी खा रहा है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप किसी डॉक्टर कंसल्ट जरूर करिए। देन इसके अलावा एक होता है बैड वेटिंग। बैड वेटिंग जो होती है एक ऐसी प्रॉब्लम है जनरली 3 ईयर्स के बाद छूट जाती है, अगर वो प्रॉब्लम बच्चों की ना छूटे रात में टॉयलेट करने की बिस्तर पे, तो वो उसके लिए भी मेडिसिन होती हैं 3 ईयर्स तक ही नॉर्मल कहलाता है, बट 3 ईयर्स के बाद अगर बच्चे बैड वेटिंग हो रही है रात में वो बिस्तर में टॉयलेट कर रहे हैं, तो वो उसकी प्रॉब्लम्स के लिए भी कई सारी मेडिसिन होती हैं जैसे कि कॉस्टिकम, क्रियोजोट, गर्ल्स हैं तो सीपीआर, बॉयज़ है तो और भी अदर मेडिसिन हो जाती हैं, बट मेनली जो अगर वर्म्स की वजह से कर रहे हैं तो सिना की सारी मेडिसिन हो जाती हैं बैड वेटिंग के लिए। देन फिर इसके बाद आता है इंक्रीज हाइट। इंक्रीज हाइट के लिए भी बच्चों के लिए 12 ईयर्स के बच्चे होते हैं और अगर उनकी हाइट कम है तो पेरेंट्स उसके लिए भी काफ़ी टेंस रहते हैं कि बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए, बट ये टॉपिक पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँ क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि अपलोड हो चुका है, तो आप उसको ज़रूर देखें बच्चों के हाइट के इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उसके भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैंने उस वीडियो में बताए हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट बाइट मतलब बच्चे बाहर खेलते हैं बारिश में, अदर टाइम पे कभी भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं कट कर लेते हैं, हनी बीज होती है, मधुमक्खियाँ, मच्छर होते हैं जो कि काट लेते हैं, तो उसके लिए भी मेडिसिन होती है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप उसमें हल्का सा कुछ कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं और साथ ही साथ में एपिस मेलेफिका जो मेडिसिन होती है होम्योपैथिक में वो दे दीजिए, तो उसका सारा जो टॉक्सिन है इन्फेक्शन है तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। देन अब मेडिसिन आती है स्पेशली एलर्जीज और टॉन्सिल्स के लिए। बच्चों में टॉन्सिल्स का भी रिपीटेशन बहुत जल्दी बार बार होता है कि थोड़ा भी कुछ ठंडा खाया गर्म खाया और उसके इन्फेक्शन के बाद जो है टॉन्सिल्स इन्फ्लेमेट हो जाना, तो इन्फ्लेम होने की वजह से टॉन्सिल्स की वजह से भी कई सारी परेशानियां होती हैं, बच्चे घुटकने में दर्द करते हैं, फिर उसके बाद अगर वो बढ़ जाता है इन्फेक्शन तो ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि फीवर भी आने लग जाता है टॉन्सिल्स की वजह से, तो उसके लिए मेडिसिन होती है बैलाडोना। बैलाडोना जो मेडिसिन होती है
काफ़ी अच्छी मेडिसिन है आपकी टॉन्सिल्स के लिए, और भी सारी मेडिसिन है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स रहते हैं कि किस वजह से हुआ है, किस वेदर में हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है। देन इसके अलावा बच्चे जो इरिटेबल होते हैं, तो इरिटेबल बच्चे मतलब कि कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से जो है आपको बच्चे में इरिटेशन कर रहे हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्म्स या कोई ऐसे रीजंस होते हैं, तो उसकी मेडिसिन होती है सिना। सिना मेडिसिन का बच्चा होता है बहुत इरिटेबल होता है, हर चीज़ रिफ्यूज़ करता है, और मांगता भी डिमांडिंग भी रहता है, बट देने के बाद रिफ्यूज़ भी करता है, तो ऐसे बच्चे होते हैं आपके सिना के। देन इसके बाद एक जो मेन टॉपिक है आज को, मैंने जो आपको बीच में बताया था कि स्टेज फियर जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है, वो स्टेज फियर ख़त्म करने के लिए मेडिसिन होती है जैल्सीमियम अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये दो मेडिसिन जो ऐसी हैं कि बच्चे को कभी भी आपको स्टेज में भेजना है उसके पहले अगर आप ये मेडिसिन देते हैं एक एक डोज, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन होता है और वो उनका डर अंदर से ख़त्म होता है। बच्चों को अपन काउंसिल तो देते ही, काउंसलिंग करते ही हैं कि आपको स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, बट वो काउंसलिंग के साथ साथ अगर आप मेडिसिन देते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो ये हो गए आज के सारे टॉपिक्स। अगर इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ज़रूर आपको वो चीज़ बता दूंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और FB पेज को भी लाइक करें, और जिससे मैं मेरे क्लिनिक के इवेंट्स जुड़े हुए रहते हैं और आपको मालूम चलेंगे अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टिंग लेना चाहते हैं। थैंक यू।